इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज में स्वागत है। दयाशंकर यादव ने सपा से मिली बागडोर। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जिले बागडोर शंकर यादव को सौंपा, जबकि मौला कक्ष की महासचिव बनाया गया था। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्गजों के दरकिनार में युवा दयाशंकर ने वीरता के कारण कार्यकारिणी घोषणा करने के बाद दयाशंकर को कार्यरता बधाई दे रही है। सिराधू निवासी दयाशंकर यादव ने 1972 में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान वह छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा वह सपा के सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। वर्ष 2012 में वह योजन सभा के जिला अध्यक्ष बनाए गए। इसी वर्ष में सिराथू विधानसभा के क्षेत्र के अध्यक्ष भी बनाया गया था। सपा के कार्यकारिणी वक्त चल रहा था, अध्यक्ष में महासचिव पद के दिग्गज नेताओं में से आवेदन किया गया था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दयाशंकर यादव को कौशाम्बी का अध्यक्ष घोषित किया है। वहीं करारी के पूर्व चेयरमैन मौला वक्स के जिला महासचिव बनाया गया था, जिसके नियम घोषणा करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने बधाई देना शुरू कर दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव को घर जाकर बधाई दी और मिठाई भी खिलाई। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।